की आपाधापी को नियंत्रित करने के लिए यातायात विभाग ने शहर और हनुमान चौराहे से गुजरने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। कल होने वाली मतगणना को लेकर कॉलेज रोड की बैरिकेडिंग की गई है। यातायात को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए गायत्री मंदिर से गुजरने वाले सभी वाहनों को कल सुबह 8 बजे से कैंट और गोपालपुरा से होकर निकाला जाएगा। इसी तरह शिवपुरी और ग्वालियर से आने वाले यातायात को भी गोपालपुरा कैंट से होकर हनुमान चौराहे से गुजारा जाएगा। इसके अलावा नानाखेड़ी की तरफ जाने वाले यातायात का रुख जगदीश कॉलोनी से होगा। मतगणना स्थल पर सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यातायात चार्ट तैयार करवाया गया है। इसे आम लोगों को परेशानी ना हो उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हनुमान चौराहे तरफ से ग्वालियर तरफ जो जाने वाले वाहन हैं उनका रूट डाइवर्ट किया गया है और वो वाहन अपने घास डिपो होते हुए जिंतरा होते हुए गोपालपुरा रोड होते हुए रिलायंस पंप पर निकलेंगे और उधर ग्वालियर तरफ आने वाले हैं वो भी वाहन रिलायंस पेट्रोल पंप के अंदर गोपालपुरा होते हुए जिंतरा होते हुए घास डिपो अशोक नगर रोड पर निकलेंगे और इधर उनका आना जाना हो सकेगा। इसके बाद जो लोग उनको नानाखेड़ी तरफ जाना है जो सिटी में जो लोकल वाहन चलते हैं उन वाहनों को जगदीश कॉलोनी होते हुए सिसोदिया कॉलोनी होते हुए और उनको उधर निकाला जाएगा। संजय स्टेडियम का जो पिछला हिस्सा है उसमें रखी गई है और दूसरे पार्किंग की व्यवस्था पुराना कंट्रोल रूम में जो नानाखेड़ी तरफ से जो वाहन आएंगे मतगणना स्थल के लिए उनको पुराना कंट्रोल रूम परिसर में उनकी पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है और जो अधिकारी कर्मचारी मतगणना में लगे हुए हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था खेल प्रसाद जो जेलों तरफ से आएंगे वहाँ पर रखी है।